हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला गया मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई हुज द वर्टिकल एंगल इज अ 60 डिग्री इज कट इन टू द टू पार्ट ऑफ द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल ऑफ इट्स बेस। कहने का मतलब ये फ्रेंड, कोई हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया गया है। इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब इसको किया क्या गया, बिल्कुल बराबर बीचों बीच में से इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आधा हिस्सा ये हो गया। अब बिल्कुल बीचों बीच में से काटा गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, और पूरा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये जो बीचों बीच में से काटा गया है तो काटने पे कैसा बन जाएगा, एक फ्रस्टम जैसा हो जाएगा। मान लो ये जो मेरी शेप थी पहले एक इस तरीके से कोन की तरह थी, ठीक, इस तरीके से कोन थी। अब इसका ऊपर का हिस्सा मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो कट करने पर कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसकी क्या होगी, स्मॉल आर होगी और ये कौन बनेगी, कैपिटल आर बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने मान ली कैपिटल आर है और ये क्या मान ली मैंने, स्मॉल आर है। ना मुझे ये गिवन है ना मुझे ये गिवन है, बट ये बोला गया है ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, लेकिन जो हाइट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, जिसको समान दो भागों में डिवाइड करेगी। तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच में से डिवाइड हो रखा है ये, ठीक है। फिर बोला गया इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड बी ड्रोन इन टू अ वायर डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है, फ्रस्टम वाला हिस्सा है जो मेरा इस तरीके से बना हुआ है, इस हिस्से को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक वायर के अंदर, ठीक है, उस वायर का डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर, तो बताओ उस वायर की लंबाई कितनी होगी। तो वायर की लंबाई बताने से पहले मुझे इनकी रेडियस निकालनी होगी कि रेडियस कितने डिग्री की होगी। इससे पहले मैंने सबका नाम दे दिया, ए बी सी, ये डी, ये ई, इसे एफ, इस पॉइंट को जी दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है और कौन है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो फ्रेंड, हमेशा एंगल किस पे होता है, बेस पे होता है। मैं आपको समझाने के लिए इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। जो एंगल ए है इसे बेस पे ले लेता हूँ मैं, ये मेरा पॉइंट जी है 90 डिग्री का, सी चला जाएगा ऊपर और ये मेरी कौन है, आर। क्वेश्चन में ए जी मैंने कितनी निकाली है, 10 सेंटीमीटर, कैसे पता लगा, टोटल 20 सेंटीमीटर थी, बिल्कुल बीचों बीच में से काटा गया है, तो ए जी मेरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है स्मॉल आर, ये मेरी कितनी है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए जी सी, इन ट्रायंगल ए जी सी निकालना क्या है, जी सी, गिवन क्या है, ए जी, तो मैंने क्या लिया, सी जी अपॉन में ए जी, ठीक है, सी जी अपॉन में ए जी, ये मेरा कौन है, परपेंडिकुलर, ये मेरा कौन है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना होता है, 10, और एंगल कितना डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। सी जी, सी जी मेरी है आर, ए जी कितनी मेरी, 10, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है फ्रेंड, नीचे है तो मेरा चला गया ऊपर, 10/√3, ये मेरा कौन आ गया, स्मॉल आर आ गया। जैसे मैंने स्मॉल आर निकाला है, बिल्कुल सिमिलरली कैपिटल आर भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। इस बार मैंने ट्रायंगल लिया ए एफ ई, याद रखना फ्रेंड एंगल हमेशा बेस पे होता है, ए एफ ई, ठीक है। अब ए एफ मेरी कितनी होगी, पूरी 20 थी, तो ए एफ भी कितनी होगी, पूरी 20 सेंटीमीटर होगी, और ये मेरा कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का। मैंने डायग्राम को रोटेट करके लिया है क्योंकि एंगल हमेशा किस पे होना चाहिए, बेस पे। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए एफ या ए ई एफ, ठीक है, तो मैंने लिया ई एफ अपॉन में ए एफ, तो ये मेरा कौन बना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना होता है, 10, 10 कितना डिग्री मेरा, 30 डिग्री है, एंगल उतना ही है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, ई एफ की जगह कैपिटल आर, ए एफ मेरा हो जाएगा 20, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 √3 सेंटीमीटर, ये मेरा स्मॉल आर आ गया और ये मेरा
कैपिटल आर आ गया, ठीक है, दोनों आर आ गए मेरे। आने के बाद जो ये कोन था मेरा, ठीक है, इस कोन को मैंने दो हिस्से कर दिए थे, जो नीचे फ्रस्टम वाला हिस्सा था, ये फ्रस्टम वाला बोला गया है, इसको मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसकी जो ये हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एच से, कितनी है, ये होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कौन होगी स्मॉल आर और ये होगी कैपिटल आर, ठीक है। इसको मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, मान लो इस तरीके की कोई वायर है जिसका, और ये कैसी वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल वायर। अब इसका मेरे को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर वो दे रखा 1/16 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस को मैं R1 से डिनोट कर देता हूँ, तो रेडियस निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो रेडियस कितनी आ गई मेरी 1/32 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आ गई। और ये इसकी क्या होती है, एक तरीके से हाइट होती है, क्या होती है, हाइट, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ H1 से, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो तार तो क्या होगा, लंबाई में होगा, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, जिसको मैंने डिनोट किया है H1 से, ठीक है, किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, H1 से, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या है, इसकी H1 होगी। मेल्ट इसे किया गया और बनाया गया ये वायर, यानी दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इक्वल। अब ये जो शेप है कैसी है, फ्रस्टम, और ये जो शेप है वो कैसी है, एक वायर की तरह, ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्मॉल आर कितना निकाला, 10/√3, और ये कितना निकाला, 20/√3 निकाला, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो अब इन दोनों के वॉल्यूम को मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πH, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, आर कौन सी वन वाली, एच कौन सी वन वाली, जो एच है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ 1/3। एच की वैल्यू क्या दे रखी थी 10, कैपिटल आर निकाला था मैंने 20/√3, स्क्वायर लगा इसलिए इसको दो बार लिख देंगे 20√3, स्मॉल आर निकला था मेरा 10√3, स्क्वायर लगा इसलिए इसको लिख देंगे दो बार, ठीक है, प्लस में कैपिटल आर 20√3, स्मॉल आर वो था मेरा 10√3, सबको रख दिया। अब इसकी जो R1 थी वो R1 मैंने यहाँ पे निकाली थी कितनी, 1/32, तो इसको हम लिख देंगे दो बार 1/32 1/32। जो H1 है वो मेरी कौन है, लेंथ ऑफ वायर, जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ हुआ मेरा 10/3। अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, कैसे हुआ वो देख लो जरा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे power 1 और power 1, पावर हुई 2, 2 से रूट कट गया कितना आया 3 आया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, √3 को √3 से किया 3, 20 को 10 से किया 200, अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 को √3 से किया 3, 1/32 और 32, यहाँ H1 है मेरी, ठीक है, 10/3, तीनों का बेस सेम है तो मैंने 3 लिखा, तीनों को ऐड कर दिया 400 + 100 + 200, ठीक है, 1/32 and 32 इंटू में H1 मेरी कौन है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक, 10/3 मल्टी इनको ऐड कर दिया मैंने 500 700 700/3 32 × 32 इंटू में लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया 700 3 × 3, ये नीचे था कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे था कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू में लेंथ ऑफ वायर। अगर कोई कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे उनका, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7168000,
3 3 9, ठीक है। अब इस नंबर में 9 का डिवाइड देंगे तो यह आएगा 79.6444 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरी कौन होगी, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब ये आ रही सेंटीमीटर में, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मुझे मालूम है 1/1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, ठीक है। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें डिवाइड दे देंगे 100 का, 0.44 डिवाइड बाय 100, तो कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो पॉइंट डेसिमल किसके का, 2 नंबर इधर, यानी 7 4.4444 मीटर, ठीक है। पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट मानी जाती है और आगे के नंबर 50 से कम है तो इनको कुछ भी नहीं माना जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। तो 7 4.44 मीटर ये मेरी हो जाएगी लेंथ ऑफ वायर जो मेरे को क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड मेरे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।